हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैकबीटी द मिस्ट्री कैट नामक पोएम का एक छोटा सा ब्रीफ एनिमेटेड हिंदी समरी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत सा जो कविता है, इसके कविवर हैं T.S. इलियट। इनके द्वारा इस कविता की रचना की गई है और इस कविता में इन्होंने एक काल्पनिक चरित्र वाले एक बिल्ली के बारे में बताया है। द पोएट सेज दैट मैकबीटी इज ए मिस्ट्री कैट एंड इज नोन बाय द नेम ऑफ हिडन पॉ। इस कविता में एक रहस्यमय बिल्ली मैकबीटी की कहानी के बारे में बताया गया है। मैकबीटी एक काल्पनिक चरित्र है और इसमें कवि ने बदमाशों के कार्य को करते हुए इसे दिखाया है। इस बिल्ली को हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्यों जाना जाता है, इस कविता में हम लोग इसको जानेंगे। ही इज नोन एज हिडन पॉ बिकॉज ही इज द मास्टर क्रिमिनल एंड कैन डिसओबे द लॉ। इसे हिडन पॉ के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह एक कुख्यात अपराधी, जासूस और चालबाज है और यह खुले तौर पर हमेशा कानून का अवज्ञा करता रहता है, यानी कि किसी भी कानून को ये मानता नहीं है। ही इज द कन्फ्यूजन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड पेन ऑफ द फ्लाइंग स्क्वाड। इस बिल्ली को ना ही स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस और ना ही फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ने में सफल हो रही है। ही हैज मेड द पुलिस ऑफ स्कॉटलैंड कन्फ्यूज बिकॉज वेन द पुलिस रीच्ड द सीन ऑफ क्राइम ही वैनिश्ड अवे। यानी कि मैकबीटी एक मास्टरमाइंड है और अपराध करने के बाद ये कोई सबूत नहीं छोड़ता है, ठीक है। इसलिए कोई भी जो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस हो या फ्लाइंग स्क्वाड है, उसे आज तक वे लोग पकड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर इज नो वन लाइक मैकबीटी एज ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कवि कहता है कि मैकबीटी जो है ये अद्भुत प्राणी है, वह न केवल मानव कानूनों बल्कि प्रकृति के कानून को भी हमेशा तोड़ते रहता है। वह बिना किसी सहारे के हवा में तैर सकता है और इस तरह से प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़ देता है। मैकबीटीज पावर ऑफ वैनिशिंग अवे कैन मेक ए फकीर सरप्राइज। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि फकीर जो है उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती है, लेकिन उन्हें भी आश्चर्य हो जाता है कि थोड़े ही समय में वो जो मैकबीटी है वो गायब कहाँ हो जाती है। आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम ही वैनिश्ड अवे। कोई भी क्राइम जो है उसे अपराध को करने के बाद वो उस जगह से बहुत ही तेजी से भाग जाता है ताकि किसी को कुछ पता ही न चले। सो व्हेन एनीबॉडी रीच द सीन ऑफ द क्राइम ही विल नॉट एबल टू फाइंड हिम। इसलिए जब भी कोई उसके क्राइम वाले स्थल पर जाता है तो वह उसे वहां पे नहीं पाता है, वो वहां से कब का गायब हो चुका रहता है, वहां से वो भाग जाता है क्राइम करके हमेशा की तरह। Thou he may search him on the ground below or in the air above, he is not there। यानी कि जो भी व्यक्ति चाहे वो उसे धरती पे ढूंढे या हवा में ढूंढे, वो कहीं भी नहीं रहता है। क्राइम करने के बाद वो हमेशा गायब ही रहता है, कहीं दिखाई ही नहीं देता है। इट इज यूजलेस टू सर्च फॉर हिम। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसे जो ढूंढना जो है वो एक यूजलेस है, उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो क्राइम करने के बाद उस जगह पे कभी रुकता ही नहीं है ताकि वो पकड़ में आ सके। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट इंट्रोड्यूस हिम एज ए जिंजर कैट एज ही इज एंड थीन। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है कि मैकबीटी की जो उपस्थिति है वह भी बड़ा ही खास है, वह आसानी से पहचानने योग्य है, उसे कोई भी आसानी से पहचान सकता है क्योंकि वह एक लंबी और पतली सी दिखने वाली बिल्ली है। हिज आईज आर सनकेन इन हिज आईब्रोज आर डीपली लाइंड विथ थॉट्स दैट इज मेक हिम लुक लाइक ए विलेन। उसकी आंखें धसी हुई है और उसकी जो भौंएं हैं उस पर गहरी झुर्रिया है और जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि हमेशा वो अपराधी काम को करने के बारे में सोच रहा है। हिज विस्कर्स आर अनकम्ब्ड हिज हेड इज राउंड हिज कोट इज डस्टी एज ही डजंट कीप हिमसेल्फ क्लीन। इसके अलावा वो कभी भी अपने मूंछों पर कंघी नहीं करता है और लगातार अपनी त्वचा के तरफ ही देखते रहता है। इस प्रकार वह धूल से हमेशा भरा रहता है तथा उसका जो सिर है वह भी एक
काफ़ी गोलाकार गुंबद की तरह दिखने वाला दिखाई देता है, यानी कि हमेशा वो गंदा ही रहता है। He keeps moving his head from one side to the other that are similar to the movement of a snake. वह हमेशा अपने सर को जो है वो हिलाते रहता है, कभी इस साइड कभी उस साइड, ऐसा लगता है कि कोई जो सांप है वो मस्ती में झूम रहा हो। जो भी देखता है उसे लगता है कि ये सांप की तरह झूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जब भी चलता है उसी तरह से झूमते हुए वो जो बिल्ली है वो चलती रहती है। When someone would think that he is half asleep, in reality he is awake and in a complete sense. यानी कि अगर किसी को लगता है कि वो गहरी नींद में है, लेकिन वह केवल दर्शन भर के लिए होता है, एक्चुअल में वो गहरी नींद में होता नहीं है, वो बल्कि जगा हुआ रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक कुशल धोखेबाज, जासूस और चालबाज है, जो लोगों को जो है हमेशा धोखे में ही रखता है। इन द लास्ट स्टेंजा अकॉर्डिंग टू द पोएट ही इज मोरली करप्ट। लास्ट पंक्ति में कवि ने यह बताया है कि वो जो बिल्ली है वो एक बुराई का अवतार है, ठीक है, इसके साथ साथ वो पूरी तरह से करप्ट है, उसमें कोई भी मानवता नामक कोई चीज नहीं है। वन कैन फाइंड एंड मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट और इन ए मॉल, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसे किसी सड़क, चौक पे या किसी मॉल पे उसे आसानी से देख सकता है, उसे आसानी से मिल सकता है। बट आफ्टर हिज क्राइम इज डिस्कवर्ड ही वैनिश्ड अवे एंड कैन नॉट बी फाउंड। लेकिन जब भी वो किसी अपराध को करता है या किसी अपराध के लिए लोग उसे पकड़ने जाते हैं, दंडित करने के लिए जाते हैं, तब वो वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, किसी को वो मिल नहीं पाता है। क्राइम वाले स्थान पे क्राइम करने के बाद वो कभी भी रुकता नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ दिस पोएम। तो दोस्तों, यह था इस छोटे से कविता का एक छोटा सा ब्रीफ समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।